दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, होता क्या है, पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं रहता। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। अगर आपके साथ भी होता है ऐसा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, आप वीडियो ख़त्म होने तक अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे एक बार पढ़ा हुआ ज़िंदगी भर याद रखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और कहा जाता है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जी हाँ, यह सच है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि आधी जंग तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही जीत ली जाती है। तो अपने ऊपर यकीन करें कि यह मैं कर सकता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग यह कहते रहते हैं, मुझे याद नहीं होगा। पढ़ते वक्त भी कहते हैं, मुझे याद नहीं होगा। दोस्तों, याद रखिए, हमारा दिमाग वही काम करता है जो हम चाहते हैं। और दोस्तों, एक बात अपने दिमाग से निकाल दो अभी से, कि किसी में दिमाग ज़्यादा या कम नहीं होता। भगवान ने सबको एक समान बनाया है। दोस्तों, यदि हम सोचेंगे कि हमें याद करना है तो दिमाग याद कर लेगा। अगर पहले ही सोच लेंगे कि याद नहीं होगा तो हमारा दिमाग उस चीज़ पर काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सोचते रहें कि याद होगा, फिर देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर। दोस्तों, किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। क्या खूब कहा था, बिल्कुल तर्कसंगत बात है। जैसे कि आपने कोई भी मूवी देखी होगी, उस मूवी की कहानी, सीन्स, डायलॉग आपको याद होंगे। कोई कहानी जो बचपन में दादी जी से सुनी होगी, उसकी एक एक बात याद रहती थी। यहाँ तक कि दादी जी दोबारा कहानी सुनाते वक्त कुछ चेंजेस करती थी तो हम उन्हें भी टोक दिया करते थे कि पहले तो आपने कुछ और बताया था। ऐसा क्यों? क्योंकि तब हम अच्छे से इमेजिनेशन करते थे। हमें वो कहानी वीडियो के रूप में चलती दिखाई देती थी, वो झरना, वो नदी, वो कुआं, वो जंगल। दोस्तों, एक बार फिर बच्चा बन जाइए और इमेजिनेशन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसे सब याद रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।